दोस्तों ट्रैवलिंग के दौरान अक्सर हमें पावर बैंक की जरूरत खासा महसूस होती है, और अगर आप भी ढूंढ रहे हैं एक ऐसा पावर बैंक जिसकी अच्छी खासी कैपेसिटी हो, साथ ही साथ सपोर्ट करता हो फास्ट चार्जिंग, और उसके साथ साथ एक बार में एक से ज्यादा डिवाइसेस को वो चार्ज कर सके, और साथ ही साथ प्राइस में भी कम हो यानी सस्ता हो, यानी कि अगर आप ढूंढ रहे हैं एक बेस्ट बजट कैटेगरी वाला पावर बैंक, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा पावर बैंक जो कि लाइक करता है बेस्ट बजट पावर बैंक की कैटेगरी में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रियदर्श है, आप देख रहे हैं टेक्नोवर्स चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, हमारे पास आ गया है MI पावर बैंक 2i 20,000 mAh की कैपेसिटी वाला, और साथ साथ इसमें 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। इसका एक पुराना वेरिएंट भी है जो कि 10,000 mAh की कैपेसिटी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और बाकी सारी डिटेल्स की ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है वो आपको बॉक्स के पीछे के कंटेंट्स पे मिल जाएगी। तो बात करते हैं बॉक्स डिटेल्स की। तो सबसे पहले तो इसकी जो सेल कैपेसिटी जो कि है 20,000 mAh की, और उसके साथ आउटपुट पोर्ट्स की बात करें तो इसमें दो USB पोर्ट्स हैं। इसके पुराने वेरिएंट में आपको सिर्फ एक USB पोर्ट मिलता था। और बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो इसमें एक पावर बैंक है एज यूजुअल, एक USB केबल है और एक यूज़र मैनुअल है। प्राइस की बात करें तो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। वेरिएंट की बात करें तो इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू। मेरे पास है ब्लैक वेरिएंट। तो चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं और पावर बैंक में क्या क्या फीचर्स हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर है एक MI का पावर बैंक एज यूजुअल जैसा लिखा था, और साथ ही में है एक USB केबल, और इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल। तो रखते हैं USB केबल को साइड में। अब बात करते हैं पावर बैंक की बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो ये है ब्लैक सैंडस्टोन फिनिश विथ 9-लेयर एडवांस प्रोटेक्शन। सामने है MI की ब्रांडिंग। राइट साइड में आएंगे तो आपको मिलेगा एक ऑन ऑफ बटन। पीछे साइड पूरी क्लीन है। इधर नीचे में आएंगे तो आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगे रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट। और अब बात करते हैं पोर्ट्स की। तो इसमें आपको मिलता है दो USB पोर्ट्स, साथ ही साथ LED चार्जिंग इंडिकेटर जो कि ये बताएगा कि आपके पावर बैंक में कितना पावर बचा है, और साथ ही साथ पावर बैंक को चार्ज करने के लिए भी एक सॉकेट दिया हुआ है। बात करते हैं इन दो USB पोर्ट्स की। तो दोनों USB पोर्ट सपोर्ट करते हैं 18W फास्ट चार्जिंग की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पुराने वेरिएंट में सिर्फ एक ही USB पोर्ट था। कंपनी के हिसाब से ये रेडमी के 20 को 3 बार चार्ज कर सकता है। अगर ये पूरा पावर बैंक फुली चार्ज है तो ये रेडमी के 20 को 0 to 100% 3 बार चार्ज कर सकता है, आईफोन 8 को 7 बार, और रेडमी नोट 7 प्रो को भी 3 बार चार्ज कर सकता है। ये तो रही कंपनी की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसने जो मेरे पास जो एक फ़ोन है उसको कितने देर में चार्ज किया। मेरे पास शाओमी का रेडमी 4 है और इसमें 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। इसको इसने 0 to 100% चार्ज करने में अराउंड 1.5 आवर्स लिए थे, यानी 1.5 घंटे के आसपास लिया था इसने टाइम, तो जो कि ठीक है क्योंकि बाकी पावर बैंक्स के हिसाब से तो अच्छा ही है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर आप बॉक्स पे जाएंगे तो आपको बॉक्स पे लिखा हुआ मिलेगा 1999 की MRP, लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे अमेजोन से तो ये आपको मिलेगा 1600 रुपीज़ यानी 1600 रुपये में, और अगर आप ऑफलाइन किसी डीलर से खरीदने जाएंगे तो आपको मिलेगा ये 1700 रुपये में। मैंने इसे वैसे ऑफलाइन खरीदा है 1700 रुपये में, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है अमेजोन पे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये पावर बैंक? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि अगर आपने ये पावर बैंक खरीदा है तो आपका उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और साथ ही साथ अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो नहीं किया है तो उसे फटाफट फॉलो करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।